या धन्यवाद, आज का दिन बहुत पवित्र है। हालेलुया, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। अंतिम समय है और इस अंतिम समय में परमेश्वर हमें बताता है कि हम किस तरीके से उसके साथ चलें, उसके होकर रहें, उसको समझें। हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, अपने पड़ोसी को, अपने बॉस को, अपने पति को, अपनी पत्नी को समझने की कोशिश करते पूरी उम्र, लेकिन हम उस परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते जिसने हमें रचा है, जिसने आकाश और धरती को बनाया है, जिसने हवाओं को चलाया है, जिसने सुबह की रोशनी देने के लिए सूरज को उगाया है, रात की रोशनी के लिए चांद को उगाया है। तो हम उस पिता को जानने की कोशिश नहीं करते जिसने हमें रचा है, जिसने हमें भेजा है और जिसके पास हमें वापस जाना है। शैतान कुछ ऐसा खेल खेलता है कि हम जैसे ही जमीन पर आते हैं भूल जाते हैं उसको भूल जाते हैं। भेजा किसने है उसको? क्या आपके हाथ में है कि आप कहां पैदा होंगे? आपके हाथ में है कि कहां पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, लड़की के रूप में पैदा होंगे, लड़के के रूप में पैदा होंगे, हिंदू के घर में पैदा होंगे, मुसलमान के घर में पैदा होंगे, गुजराती में पैदा होंगे, आपके हाथ में है? नहीं, उसके हाथ में है। आपकी मृत्यु आपके हाथ में है? नहीं। कैसे मरेंगे, किस योनि से मरेंगे, एक्सीडेंट से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, कैसे मरेंगे, आपके हाथ में है? नहीं। फिर भी हम उस पर भरोसा नहीं करते, उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम उस पिता को जाने जिसने हमें भेजा है और जिसके पास हमें वापस जाना है, क्योंकि जैसे ही आपके प्राण निकलते हैं आपके अपने भी आपको नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, लाश कहते हैं आपको, और एक दिन से ज्यादा रखना नहीं चाहते हैं। निकालो निकालो, जल्दी से निकालो, बदबू आएगी, लाश को निकालो। यस, लेकिन वो जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको धरती पर भेजा है, उसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा ताकि वो आपके लिए मर सके, आपको आजाद कर सके। आमीन। वो आपको जीवन देने के लिए आया, यीशु मसीह धरती पर जीवन देने के लिए आया ताकि आप वो जीवन प्राप्त करें जो परमेश्वर चाहता है। हम वो जीवन में जीते हैं जो शैतान हमें देता है, और सुबह से शाम तक चिंता चिंता चिंता, इसका करना इसका करना, होगा या नहीं होगा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा 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 मेरा, और कुछ नहीं मिलता है। एक हाथ में आपके कुछ भी नहीं आता है। अंत में आप देखेंगे, इतना कमाने के बाद 50, 60, 70, 80, 90 साल आप गुजर जाएंगे, और जब आप जाएंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, खाली होंगे आप। लेकिन अगर आपका संबंध उसके साथ होगा तो आपके पास एक आशा होगी कि आप प्रभु के पास जा रहे हैं, आपके पास एक आशा होगी कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। आजकल तो ये रिवाज है, कोई भी मरता है उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगा देते हैं। वो स्वर्ग जा रहा है या नरक जा रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं, स्वर्गीय। लेकिन मसीह में ऐसा नहीं होता है। जब आप यीशु मसीह में समर्पित होते हैं और यीशु मसीह के चुने हुए बन जाते हैं तो आप स्वर्ग ही जाते हैं। हालेलुया, निश्चित है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया है। याद रखिएगा, प्रभु आपके लिए मरा है और मर के जिंदा हुआ है। शैतान का मकसद क्या है? शैतान का मकसद है कि वो पहले आपके अंदर पाप लेकर आता है,
आप पापी नहीं थे, शैतान आपके अंदर पाप लाता है, आपके अंदर अभिलाषाएं, गलत अभिलाषाएं आती हैं, और जब गलत अभिलाषाओं के जरिए आप पाप कर बैठते हैं, फिर शैतान आपके अंदर दोष की भावना लाता है और आप कहते हैं, अरे यार मुझसे क्या हो गया, मैंने गलत किया, अब क्या होगा, और शैतान आपको दोष की भावना लाता है कि अब खत्म, तेरा संबंध परमेश्वर से भी खत्म, तेरा संबंध दुनिया से भी खत्म, कोई तुझे नहीं, क्योंकि तूने गलत काम किया है। कराया किसने गलत काम है? शैतान ने। उकसाया किसने है? शैतान ने। पाप का बीज किसने बोया आपके अंदर? शैतान ने। और जब आप पाप कर बैठते हैं तो वही शैतान आपके अंदर दोष की भावना लाता है और आप दोष की भावना में मर जाते हैं, अपने अंदर ही मरते रहते हैं कि मैंने गलत कर दिया, मैंने गुनाह कर दिया। यीशु क्यों आया? ताकि वो आपको दोष की भावना से मुक्त कर सके, आपको आजाद कर सके। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा परमेश्वर आपको, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपना बनाया है। यीशु ने अपने लहू से आपको शुद्ध कर दिया है, शुद्ध कर दिया है, आपके सारे पापों को उसने धो दिया है। जो आपने पाप किए थे, जो आप पाप अभी अगर मान लो होते हैं या आप करने वाले हो, उन सारे पापों से आपको शुद्ध कर दिया है परमेश्वर ने। अब आप पर पाप अधिकार नहीं रखेगा। बाइबल कहती है पाप आप पर अधिकार नहीं रखेगा, पाप आप पर प्रभुता नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम नई वाचा में जीने वाले लोग हैं। पिछली बार भी मैंने आपको नई वाचा के बारे में बताया था। आप नई वाचा को समझिए, पुरानी वाचा को मत समझिए। नई वाचा में सबसे पहली बात जो नई वाचा का पहला अगर एक उद्देश्य है नई वाचा का, पाप से घृणा है। पाप से घृणा। अगर आप नई वाचा में जीवन जी रहे हैं तो आपको पाप से घृणा करनी है। पाप को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या कोई भी हो। परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको अपनी समानता में बनाया, अपने रूप में बनाया और अपनी सांसें उसके अंदर डाली। सोचिए परमेश्वर कितना प्यार करता था। पहला आदमी जो परमेश्वर के संग चला करता था, उसको अदन की वाटिका दी, अच्छे अच्छे फल दिए, अच्छे अच्छे पेड़ दिए, पहाड़ दिए, खूबसूरत झरने दिए, सड़कें दी, नदियां दी। प्रेज द लॉर्ड, इतना सब कुछ दिया उसको और उस पर उसको प्रभुता दी कि तू इस पर राज करेगा। लेकिन आदम ने एक पाप किया। जैसे ही आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया उसे अदन की वाटिका से। उसके लिए अदन की वाटिका बनाई थी। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अदन की वाटिका बनाई, अपनी सांसें दी, अपना रूप दिया। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया, उसको निकाल दिया अदन की वाटिका से। दूसरी बार जब क्रूस पर यीशु मसीह पर पूरे संसार का पाप आ गया था, परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया। मैं आपको एक क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, वो पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपके अंदर पाप है, परमेश्वर आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे आप कितना भी दशांश बोते हो, चाहे कुछ भी बोते हो, अगर आपके अंदर पाप है
तो परमेश्वर आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान इंसान के अंदर दोष की भावना क्यों डालता है? ताकि दोष की भावना में जीते हुए जो इंसान है वो परमेश्वर को समझ ना सके, परमेश्वर की इच्छा को जान ना सके, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ ना सके और परमेश्वर से दूर हो जाए। हालेलुया। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जो परमेश्वर का मित्र कहलाता था, जिसे बाइबल में परमेश्वर का मित्र कहा गया है, जो परमेश्वर का चुना हुआ था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इज़राइल का दूसरा राजा, उसका नाम था दाऊद। आज मैं आपको दाऊद के बारे में बताऊंगा कि दाऊद कैसे गिर गया। दाऊद ने 40 साल तक परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के द्वारा चलकर उसने इज़राइल और यहूदा का राज्य हासिल किया। लेकिन वो गिर गया और शैतान ने उसके जीवन में कैसे काम किया और शैतान कैसे काम करता है आज मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वचन को ध्यान से सुनिए, इस वचन को ध्यान से सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। हम कभी कभी घमंड करते हैं कि अरे शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, अरे हम तो बाइबल जानते हैं, अरे हम तो प्रार्थना करते हैं। दाऊद आपसे बड़ा था वो। हालेलुया, वो नबी कहलाता था उस समय पुराने नियम में। हालेलुया, आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरा सैमुएल 11:1-5। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इसराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। आमीन। एक मिनट, ये जब आप देखिए, आपका दर्शन क्या है? आपको परमेश्वर ने चुना है। मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप अपने दर्शन को भूलते हैं, अगर आप अपने दर्शन को खो देते हैं, अगर आप दर्शन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो शैतान आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर ने हर एक के लिए दर्शन रखा हुआ, अगर आप उस दर्शन के हिसाब से नहीं चलते हैं तो शैतान आपके जीवन में काम करता है। यहाँ पर दाऊद, जो कि पूरा राज इज़राइल का और यहूदा का राज्य पा चुका था, प्रेज़ द लॉर्ड, और उस समय बताया जाता कि उस समय जितने साल के शुरुआत में, वर्ष के बिगनिंग में, इस जो राजा है वो जाता था और युद्ध करता था। 40 साल से युद्ध कर रहा है वो दाऊद, हर साल जाता था। लेकिन अब जब इज़राइल और दाऊद और यहूदा का राज्य उसके पास आ गया, रानियां उसके पास आ गई, नौकर आ गया, सब कुछ आ गया, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा आज। हालेलुया, उसने क्या सोचा, आज नहीं जाऊंगा। कभी कभी होता है मेरे भाई, हम अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम परमेश्वर के काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम चर्च आते हैं, सेवा करते हैं चर्च में, वर्शिप गाते हैं, दान दशांश देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन हम जब चर्च से निकलते हैं तो हम अपनी सेवाओं का उपयोग नहीं करते, हम अपने दर्शन को भूल जाते हैं, हम अपनी वाचा को भूल जाते हैं जो हमारी वाचा है, और शैतान इसी की ताक में है। हालेलुया। पहला पत्रस अगर हम 1:5 में देखेंगे, 5:8 में, तो हम पाएंगे कि शैतान भूखे शेर की तरह आपको निहारता है, भूखे शेर की तरह आपको देखता है कि कब आप अपने दर्शन से हटें और कब मैं आपके जीवन में काम करूं।
इसलिए हमें बहुत अलर्ट होना है। आप घर से निकलते हैं, आप कहते हैं कौन देख रहा है मुझे, झूठ बोलते हुए कौन देख रहा है, धोखा देते हुए कौन देख रहा है, व्यभिचार करते हुए कौन देख रहा है, कोई तो नहीं है, ना मेरा माँ बाप है, ना कोई चर्च का बंदा है, कोई नहीं है, मैं तो अकेला, कौन देख रहा मुझे? शैतान देख रहा है आपको, ताकि आप गिरें और शैतान आपके जीवन में काम करे। क्योंकि जैसे ही आप अपने दर्शन से हटेंगे, जैसे ही आप अपने पथ से हटेंगे, आप अंधकार में जाएंगे, और अंधकार किसका घर है? शैतान का घर है। तो यहां पर हमने देखा कि वर्ष की शुरुआत में जब राजा लोग, वचन कहता है कि जब राजा लोग काम पे युद्ध के लिए निकला करते थे, दाऊद वहीं रह गया, यरूशलेम में ही रह गया। अगला, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई। एक मिनट, हालेलुया। अब आप देखिए शैतान कैसे काम करता है। मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा इस वचन पर। दाऊद एक राजा है, हालेलुया, उसका महल है, उसके महल के आसपास उसके सैनिकों के क्वार्टर्स हैं, सैनिक वहां पर रहते हैं, हालेलुया। हित्ती उरिया जो कि उसका सैनिक है, प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए शैतान कैसे काम करता है। दाऊद घर पर है, ये शैतान को पता है। अब शैतान ने जाल बिछाया कि किस तरीके से दाऊद को परमेश्वर से दूर करे, कैसे दाऊद के अंदर पाप लेकर आए। हालेलुया। जब दाऊद अपने महल की छत पर घूम रहा था, तो उसने देखा कि सामने वाले घर पर जो एक औरत है वो नहा रही है। कोई औरत दरवाजे खोल के नहाती है? और अगर मान लीजिए वो नहाने का कमरा राजा की छत से दिख रहा है, उसे पता है कि राजा की छत से वो कमरा दिख रहा है जहां वो नहा रही है, हालेलुया। सोचिए शैतान की चालाकी। ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये कोई इंसिडेंट नहीं कि अचानक हो गया। हम कई बार अचानक समझते कि हमारे जीवन में अचानक ऐसा हो गया। यार हम जा रहे थे और हमें एक लड़की मिल गई और उसने मुस्कुराया और हेलो किया और मेरा नंबर लिया, अरे अचानक हो गया। अचानक नहीं हुआ, ये शैतान है जो आपके पीछे लगा हुआ था। ये शैतान है जो जानता है कि आपकी कमजोरी लड़की है। शैतान जानता है, आपके मन को जानता है, इसलिए जब आपकी कमजोरी लड़की है, उसने लड़की को आपके लाइन पर सेट कर दिया, और आप समझ रहे हैं कि कोई इंसिडेंट हो रहा है, कहीं ये परमेश्वर का आशीष तो नहीं मिल रहा मुझे, अरे अपने आप उसने मुझे आकर नंबर पूछा, अपने आप अपना नंबर भी दिया और मुझे भी बताया और हेलो भी किया। परमेश्वर धन्यवाद, तू मुझ पर बहुत, हाँ तेरा उपकार कैसे निभाऊंगा। अबे वो शैतान की युक्ति है, शैतान की योजना। हेलो, अब ये देखिए दाऊद साहब का डमरू बजाएंगे, अभी बहुत बड़े नबी हैं, डमरू बजाएंगे अभी, क्योंकि शैतान के चंगुल में फंस गए, शैतान के चंगुल में फंस गए। उस औरत को देखा, वो औरत खूबसूरत थी, अपनी छत पे नहा रही थी, उसको पता है कि दाऊद देख रहा है, दाऊद का महल सामने है, दाऊद का कमरे का जो छत है वो सामने है, और वहां वो नहा रही है। आप उसको बेचारी नहीं कह सकते, वो औरत बेचारी नहीं है, उसका नाम है बैतशेबा। किसकी मां थी वो? किसकी मां थी वो? सुलेमान की।
किसकी माँ थी वो? सुलेमान की। हालेलुया, जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था। अब आप देखिए, राजा ने उस लड़की को देखा, खूबसूरत लड़की लगी, उसको बुला लिया, उसके संग गलत संबंध बनाए और वो अब चली गई। हालेलुया। अब उस लड़की ने क्या किया कि कुछ दिनों के बाद एक संदेश भेजा कि राजा मैं गर्भवती हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं। राजा फंस गया। क्या हुआ? राजा शैतान के चंगुल में फंस गया। अब राजा ने कहा पता लगाओ इसका पति कौन है। अरे वो तो सैनिक है। कहां है वो? वो तो युद्ध में है। अरे योआब जो उसका सेनापति था, भेजो उसको, हित्ती उरिया को भेजो जो कि उसका सैनिक है। और राजा ने कहा अरे कुछ नहीं होता, शैतान उसे बुद्धि दे रहा था, कुछ नहीं होता, वो सैनिक आएगा सब ठीक कर दूंगा मैं। वो सैनिक आया, हित्ती उरिया, आधा बर्ज़े। हाँ भाई, तुम क्या नाम है तुम्हारा? हित्ती उरिया। कहाँ रहते हो? ये पास में रहता हूँ। अच्छा जी, तुम ऐसा करो, तुम बहुत थक गए होगे, जाओ अपने घर जाओ और घर जाके सो जाओ, हम फिर कल बात करेंगे। राजा ने सोचा कि पति को पत्नी के पास भेज दूंगा, सारा जो प्रॉब्लम है, सारा जो लाछन है, जो दोष है, वो पति पर आ जाएगा, मुझ पर आएगा ही नहीं। हालेलुया। लेकिन पति पवित्र था, पति समर्पित था, पति ईमानदार था, वो अपने घर नहीं गया। लेकिन एक बात की राजा ने कि राजा ने पति को कहा घर जाओ, और उसके घर जाते जाते उसने उसके लिए कुछ उपहार भेजे, तो जो उपहार भेजे वो घर पहुंच गए। हालेलुया। उपहार भेजे किसने? राजा ने। किसके लिए? क्योंकि पति आया है, तो ये बात घर पहुंच गई। किसके पास? पत्नी के पास। अब रात को पति नहीं आया, अच्छी पत्नी क्या करेगी? अपने पति को बुलाएगी कि कहां हो आप, इतने दिनों से, इतने हफ्तों से, महीनों से आप सेना में थे, युद्ध में थे, और अभी आप यहां पर आए हो, तो आइए ना, मैं आपकी सेवा करती हूं, टांगे दबाती हूं, आपके लिए खाना बनाती हूं, आप आइए ना, घर में क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन उस पत्नी ने नहीं बुलाया, उस पत्नी ने नहीं बुलाया, क्योंकि शैतान की योजना कुछ अलग थी। हालेलुया। देखिए, आप नहीं जानते शैतान को। शैतान का मकसद है कि आपको सर्वनाश कर देना। कौन बचाएगा आपको? पता? आपके वचन, परमेश्वर के वचन। अगर आपके परमेश्वर के वचन आपके अंदर हैं, शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है? आपके बच्चे काम पे जाते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो काम के जरिए में, काम के प्रभाव में इतने ज्यादा घुस जाते हैं कि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। संडे संडे तो आएंगे, लेकिन बाकी दिन ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उस जाल में फंसना शुरू कर देते हैं जो शैतान ने बिछाया है। क्यों? क्योंकि जहां वो जा रहे हैं वहां पर सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, वहां पर शैतान ही शैतान है। जहां वो सुन रहे हैं वो गलत बातें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं वो गलत बातें देख रहे हैं। 6 दिन वो गलत बातें देख रहे हैं और 1 दिन 2 घंटे आकर यहां पर सेवा कर रहे हैं। किसका प्रभाव ज्यादा होगा? जो 6 दिन देख रहे हैं। हालेलुया। जो 6 दिन आप गलत बातें देख रहे हैं, गलत बातें सुन रहे हैं, आपको अच्छी भी लग रही है क्योंकि वहीं से पैसा आ रहा है, तो प्रभाव किसका ज्यादा होगा आपके ऊपर? वो 6 दिन का। हालेलुया। आप 6 दिन से, 6 दिन के प्रभाव से कौन बचाएगा आपको? वचन। अगर आपके अंदर वचन होगा तो आप बच जाएंगे। क्यों? वचन क्यों नहीं है? क्योंकि इतना समय ही नहीं मिल रहा है, थक जाते हैं हम, पैसा कमाते हैं कमाते, वचन ही नहीं पढ़ पाते, ना वचन पढ़ पाते हैं, ना वचन हमारे अंदर काम करता है। यही शैतान की चाल है, जिसे आप नहीं समझते। बाहर काम करना बहुत जरूरी है, करिए आप, लेकिन
प्रभु को एक पल और मजबूत हो जाइए। आपके अंदर होना चाहिए, मुझे प्रभु में मजबूत होना है, मुझे वचन में मजबूत होना है। मैं पहले 8 घंटे सोता था, मैं 6 घंटे सोऊंगा, लेकिन 2 घंटे मुझे प्रभु में लगाना है। क्यों? क्योंकि कहां जा रहे हैं आप? आपने कभी सोचा है जो एक सैनिक है जब वो युद्ध में जाता है, अस्त्र शस्त्र बांधता है कि नहीं बांधता है? कहां जा रहा है वो युद्ध में? कहां जा रहा है एक सैनिक? कहां जा रहा है? युद्ध में। आपको पता है संसार आपके लिए क्या है? युद्ध भूमि। संसार आपके लिए क्या है पता है? युद्ध भूमि। और आप रोज युद्ध भूमि में जा रहे हैं, अपने दुश्मनों से मिल रहे हैं, आप उनको दोस्त बना रहे हैं, उनको अपना कह रहे हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हैं शैतान के बंदे। वो युद्ध भूमि में बिना हथियार के जाएंगे, लेकिन आप जा रहे हैं। युद्ध भूमि में आप अपने बच्चों को बिना हथियार के भेज रहे हैं। आपका हथियार क्या है? बाइबल। आपका बच्चा शैतान का क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हथियार लेकर नहीं जा रहा है, इसलिए संसार का प्रभाव उस पर ज्यादा हो रहा है, शैतान का प्रभाव ज्यादा हो रहा है। आपको लग रहा है कि यार 30 लाख 30 हजार 25 हजार 40 हजार 50 हजार, अभी 60 भी होगा, अभी 90 भी होगा, अभी 10 भी होगा, अभी बढ़ेगा पैसा। आप वही सोच रहे हैं, शैतान भी आपको वही सोचने दे रहा है। सोचो सोचो सोचो, शैतान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा 10 लाख कमाए वो खुश है, लेकिन उसका मकसद है क्योंकि उसकी आत्मा खो जाए, वो उसकी आत्मा को नष्ट करना चाहता है। आप अपने 10 लाख कमाकर यहां तो एक फ्लैट बना लेंगे, लेकिन वहां का फ्लैट खो देंगे आप, वहां का फ्लैट खो देंगे आप, वहां का उत्तराधिकारी खो देंगे आप। हेलो। इसलिए आप अगर शैतान, अगर आप संसार में जा रहे हैं, तो ये हथियार आपके पास होना चाहिए। जितने ज्यादा आपके दुश्मन होंगे, उतनी ज्यादा आपके अंदर हथियार की पकड़ होनी चाहिए। आगे पीछे शील्ड होनी चाहिए, तलवार होनी चाहिए कि मैं वहां जा रहा हूं। लेकिन आपका बच्चा निहत्ता ही चला जाता है, कोई बात नहीं। प्रार्थना कल तो की थी ना, परसों की थी ना, नहीं हमने वचन पढ़ा था ना। आप इसको बहुत इजी ले रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। दाऊद नहीं समझ रहा था, दाऊद समझ रहा था मैं राजा हूं, मैं राजा बन गया हूं, अब कौन मुझे रोकेगा, अब कौन है जो मुझे टोकेगा, मैं राजा हूं। नहीं मन किया मेरा युद्ध में जाने का, अपने सेनापति को भेज दिया, क्यों जाऊं मैं, राजा हूं। जिस दिन आप अपना दर्शन खोएंगे, शैतान आपके जीवन में आ जाएगा। राजा दाऊद ने अपना दर्शन खोया, अपना काम खोया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। हालेलुया। उसने खोया, शैतान ने काम किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसी का मैं 7वां और 8वां देखिए। औरत को बताया मैंने आपको किस तरीके से पति आया हुआ है, उसे पता है पति आ चुका है, उसके पास उपहार आ गए हैं, लेकिन वो पति को नहीं बुला रही है, पति को नहीं बुला रही है। अब जब पति नहीं गया, दाऊद राजा ने दोबारा बुलाया, भाई तुम क्यों नहीं गए अपने घर पे, घर पे क्यों नहीं गए तुम? कहता सर राजा मैं कैसे जा सकता हूं अपने घर में, वहां पर वाचा का संदूक पड़ा हुआ है, परमेश्वर का संदूक पड़ा हुआ है, युद्ध पर मेरे सेनापति लड़ रहे हैं, मेरे भाई लड़ रहे हैं, मेरे दोस्त लड़ रहे हैं, वो अपने जान को हथेली पर रख के लड़ रहे हैं, और मैं यहां पर रात को इंजॉयमेंट करूं, अपने घर में जाऊं, अपनी बीवी के पास जाऊं? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने कहा अरे ये तो जा नहीं रहा है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी बार दाऊद ने उसको शराब पिलाई, खाना खिलाया कि शायद शराब के नशे में अपने घर पे चला जाए, अपने बीवी के पास चला जाए।
लेकिन उस दिन भी नहीं गया वो, उस दिन भी नहीं गया। तब दाऊद ने क्या किया, एक लेटर सेनापति को लिख के दिया और उस लेटर में लिखा कि मैं जिस आदमी को भेज रहा हूँ, इसका नाम हित्ती उरिया है, इस आदमी को युद्ध में पहली पंक्ति में खड़ा कर देना, जहां पर जो सैनिक है मर जाते हैं। वहां खड़ा कर देना जहां पर मर जाते हैं, अपने पाप को छुपाने के लिए। क्योंकि अगर युद्ध के बाद हित्ती उरिया आएगा और अपनी पत्नी को देखेगा और वो प्रेग्नेंट होगी तो पूछेगा ये बच्चा कहाँ है, मैं तो युद्ध में था, तो वो बताइए कि राजा का बच्चा है, तो राजा की बेइज्जती हो जाएगी। अपने पाप छुपाने के लिए उसने हित्ती उरिया को मरवा दिया। ये है शैतान, आपको पाप में फंसा देता है, आपको पाप में फंसा देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर को पता लगा तो परमेश्वर ने एक नबी को भेजा, नातान नबी को, और उस परमेश्वर के नातान नबी ने दाऊद को एक कहानी सुनाई कि दाऊद मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहते क्या है बताओ। कहता एक आदमी था, दो दोस्त थे, एक अमीर था और एक बहुत गरीब था। उसके पास एक जो अमीर था उसके पास बहुत बकरियाँ थी, हजारों बकरियाँ थी, लेकिन जो छोटा था गरीब था उसके पास एक ही बकरी थी। कहता अच्छा हाँ, और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे। एक दोस्त उनका तीसरा दोस्त उनको मिलने के लिए आया, कभी मिलने के लिए आया, तो उस अमीर दोस्त ने क्या किया कि अपनी जो हजार बकरियां थी उनमें से तो नहीं लिया, लेकिन जो गरीब आदमी था जिसके पास एक ही बकरी थी उसकी बकरी को लेकर उसने काटा और उसका सालान बनाया, खाना बनाया और दोस्त को पकड़ा। दाऊद को बहुत गुस्सा आया कि खत्म कर देना चाहिए उसको, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, चार गुना उसे लौटाना चाहिए। नातान नबी ने कहा था, कहा कि वो अपराधी कौन है पता है, कौन है, वो तू है, वो तू है, तुझे परमेश्वर ने राजा बनाया और तूने अपनी हवस के लिए एक आदमी का खून करवा दिया, वो गरीब आदमी हित्ती उरिया, तूने उसको खत्म करवा दिया। और खत्म करवा के क्या किया, जब वो खत्म हो गया उसकी बीवी को बुला के शादी कर ली। यहां से तेरा शराब शुरू होता है राजा, परमेश्वर ने उसे शराब दिया, परमेश्वर ने उसे शराब दिया। नातान नबी ने कहा कि आज के बाद तेरे घर में ही बलात्कार होगा, तेरे अपने बेटे तेरे दुश्मन हो जाएंगे, तू कहीं का नहीं रहेगा। दाऊद तू मरेगा तो नहीं क्योंकि मैंने तुझे आशीष दिया हुआ है, लेकिन तेरा खानदान तुझते ही विरुद्ध हो जाएगा। आपके ऊपर शराब कैसे आते हैं, कैसे शराब आते हैं आपके ऊपर, क्या आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आपके जीवन में गलत काम हो रहा है, अचानक मौत हो गई, अचानक विपत्ति आ गई, ये क्या है, शराब है, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने नहीं किया लेकिन आपके पूर्वजों ने पाप किए हैं, वो पाप आप भोग रहे हैं। और एक ही है उपाय, यीशु का लहू, दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब दाऊद को यह पता लगा कि उसने पाप किया है, उसने पश्चाताप किया, लेकिन दोष की भावना उसे खाई जा रही थी, दोष। 51 का भजन संहिता 51 का दूसरा और तीसरा पढ़िए। शैतान का मकसद है कि वो आपके घर में आपके जीवन में पाप लेकर आए, आपको पाप आपके अंदर डालता है वो शैतान, और एक बार पाप आप कर लेते हैं फिर आपको वो दोषी ठहराता है, आपके अंदर दोष की भावना आती है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, क्यों किया। प्रेज़ द लॉर्ड, आप ये भूल जाते हैं, आप जानते ही नहीं है। हालेलुया, पढ़िए इसके बाद और एक नया वचन दूंगा मैं आपको, 51 का 2 और 3। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ये क्या है, दोष है,
जब आप दोष की भावना से जिंदगी जिएंगे तो निरंतर आपकी दृष्टि में पाप रहेगा, निरंतर आपको लगेगा कि वो पाप आपका पीछा कर रहा है। सुबह उठते, शाम को सोते, जागते, आपको पाप लगेगा, पाप दिखाई देगा, पाप दिखाई देगा। ये है पाप। रोमन 7:19 पढ़िए, देखिए रोमन 7:19 बताता है, कई काम ऐसे जो आप करना नहीं चाहते लेकिन कर लेते हैं, आप कर लेते हैं। बढ़िए बेटा, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। आमीन। क्यों? क्योंकि मेरा करने वाला कौन हुआ? पाप, जो मुझ में बसा हुआ है। आपसे गलत काम कौन करा रहा है? पाप। आपके अंदर गलत इच्छा कौन ला रहा है? पाप। इसी पाप से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए। आप सोचते कुछ है, करते कुछ है। आप सोचते हैं अच्छाई करने के लिए लेकिन नहीं कर पाते आप, क्योंकि आपके अंदर पाप है जो आपको उकसा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस औरत को, बैतसैदा को परमेश्वर ने, ये शैतान ने चुना और उसके जरिए काम करवाया। आप देखिए बैतसैदा का एक और, मैं आपको दिखाता हूं, पहला किंग, पहला राजा 1:11-13 के बीच में पढ़िए। आप देखिए किस तरीके से बैतसैदा को आप पहचानेंगे कि वो पहले से ही रानी बनना चाहती थी। उसके मन में था कि वो पहले से ही रानी बने, इसीलिए जब उसे पता था कि आज राजा घर में है, वो उस बाथरूम में ना ही जो छत से दिखता था। फिर उसने एक संदेश पहुंचाया राजा के पास कि साहब मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या लिखा हुआ 11:13 में? तब नातान ने सुलेमान की माता बेतशेदा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनिया राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता? इसीलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूँ जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। कैसे आगे? तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा? आप सोचिए कि जब वो रानी बनी थी, जब बैतसैदा को दाऊद ने अपना रानी बनाई थी, किसी रानी ने भी ये शपथ नहीं खाई, लेकिन बैतसैदा ने शपथ खाई कि नहीं, मैं तेरी रानी बन रही हूं, मेरा जो पुत्र होगा वो तेरा राजा होगा, ये शपथ खा मुझसे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अबीगैल से शादी की, अबीनाबाद से शादी की, बहुतों से शादी की, किसी ने भी शपथ नहीं खाई कि साहब, किसी ने भी ये नहीं किया कंपेल कि साहब मेरा जो बच्चा होगा वो तेरा राजा बनेगा, तेरे बाद राजा बनेगा, इसने खाई। हालेलुया। यानी कि शुरू से इसकी आंख उसकी गद्दी पर थी, इसे जब इसने देखा कि आज मौका है, राजा घर पर है, वो चली गई अपने ऊपर छत पर, जो उस बाथरूम में नहाने के लिए जो खुला हुआ था, जान पूछ कर। उसके बाद उसका जब पति घर में आया तो उसने अपने पति को घर में नहीं बुलाया, जान पूछ कर, क्योंकि उसे पता था कि राजा की कमजोरी औरत है। आपकी कमजोरी क्या है शैतान जानता है। आपकी कमजोरी पैसा है, दौलत है, गाड़ियां हैं, अच्छी लड़कियां हैं, वो जानता है। हो सकता है आपको आपको नहीं लगता है, हो सकता है आप शो नहीं करते कि मेरी कमजोरी क्या है, लेकिन शैतान जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपनी कमजोरियों को अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि आपकी कमजोरी ही आपके दुश्मन बन जाएगी। इस औरत ने जब बैतसैदा ने शादी की, शादी के वक्त उसने दाऊद से कसम खाई कि कसम खाओ, शपथ खाओ कि तुम्हारे बाद मेरा लड़का ही राजा बनेगा। और जब दूसरी एक औरत का जब राजा बन रहा था हगीत, जब उसने देखा कि दूसरा राजा बन रहा है, ये नातान नबी को लेकर पहुंच गई राजा के पास कि राजा तूने तो शपथ खाई थी,
और फिर राजा उठा और उसने सुलेमान को, जो कि इसका बेटा था, राजगद्दी पर बिठाया। आमीन, आमीन। लेकिन दाऊद के अंदर दोष की भावना प्रवेश कर गई थी। इस पाप के बाद दाऊद का जीवन वैसा नहीं रहा। वो हर पल अपने अंदर वो दोष की भावना लिए फिरता था, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, हाँ, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। सोचिए आप कि जो पाप था जो दाऊद के अंदर आया, उसने दाऊद को हिला दिया। दोष की भावना उसमें आ गई, उसका जीवन वैसा नहीं रहा। वो बीमारी पड़ गई, बीमार में पड़ गया, बीमार रहा, वो बीमार था उसके बाद, बीमार होता गया, कुछ उसके अंदर ताकत नहीं रह गई, वो दाऊद राजा नहीं रह गया। पाप इतनी घिनौनी चीज है जो आपको खत्म कर देता है। हालेलुया, विश्वास करिए। इसलिए पाप से घृणा करिए। हमें नई वाचा क्या बता रही है कि हम पाप से हमें घृणा करनी है। नई वाचा में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके अंदर दोष की भावना होनी चाहिए। नई वाचा जो नया नियम में है यीशु मसीह के द्वारा, उसमें कहीं भी दोष की भावना नहीं है। क्यों दोष की भावना नहीं है? क्योंकि नई वाचा बताती है कि परमेश्वर हमारे सारे पापों को भूल चुका है, माफ कर चुका है, और अब वो याद नहीं करेगा। इब्रानियों 8:12, नहीं याद करेगा, वो हमारे पापों को भूल चुका है। हमने जितने भी जैसे भी गलत पाप किए हैं, उन सारे पापों को वो माफ कर चुका है, धो चुका है, और कभी भी याद नहीं करेगा, यह उसका वादा है। इसलिए बाइबल बताती है, नया नियम बताता है कि हमारे अंदर दोष की भावना नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एक और उसकी आज्ञा है, फिलिपियों 4:6 पढ़िए बेटा, फिलिपियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा। किसी भी बात की चिंता मत करो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। नए नियम में, नई वाचा में परमेश्वर की आज्ञा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन अगर आपके अंदर दोष की भावना होगी तो आप चिंता करेंगे। शैतान का मकसद यही है कि आपके अंदर दोष की भावना लेकर आए, आपसे पहले पाप कराए और फिर आपके अंदर दोष की भावना लेकर आए, ताकि आप सुबह शाम तक उसी दोष की भावना में रहें और परमेश्वर से दूर हो जाएं और नए वाचा की जो भी आशीषें हैं वो आप तक ना पहुंचें। यही है उसका मकसद, यही है मेरे भाई, मेरी बहन। आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन अगर आपके अंदर दोष की भावना है तो परमेश्वर को आप अंदर आने नहीं देंगे। आपके अंदर जो दोष की भावना है उसकी वजह से आप परमेश्वर को अंदर आने नहीं देंगे। आप परमेश्वर की योजनाओं को जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर दोष की भावना है। पतरस ने जब यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया तो उसके अंदर दोष की भावना आई, और वो दोष की भावना पतरस को तिबरियास झील में ले गई मछली पकड़ने के लिए। यानी कि पतरस ने सोच लिया कि अब मैं प्रेरित नहीं रहा, मैंने यीशु मसीह का इनकार किया है, अब मैं योग्य नहीं रहा, आओ मछली पकड़ते हैं। पतरस के अंदर दोष की भावना आ गई कि मैंने यीशु का इनकार किया, अब मैं उसके काबिल नहीं रहा, आओ यूहन्ना याकूब चलते हैं तिबरियास झील में, वहां जाके मछली पकड़ते हैं। अरे भाई, यीशु ने तो कहा था कि तुम आज से मछली मत पकड़ो, तुम्हें आज से मनुष्य को पकड़ना है, मैं इस योग्य नहीं रहा ना, अब मैं क्या करूंगा। पतरस के अंदर से दोष की भावना निकालने के लिए यीशु वहां प्रकट हुए, और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है, ताकि पतरस के अंदर से दोष की भावना निकल जाए। जब तक आपके अंदर दोष की भावना रहेगी, आप परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं हो पाएंगे। इसलिए शैतान आपसे पाप कराना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है, नया नियम कहता है कि पाप से घृणा करो, और नया नियम क्या कहता है कि पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता है। आप नहीं जानते, पाप आपके ऊपर नहीं ठहर सकता है,
आएगा और जाएगा, यही प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन अपने अंदर दोष मत आने दीजिए, वचन पढ़िए, वचनों के अंदर अपने आप को लेके जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आज का वचन हमने समझा। हालेलुया। जोब के बारे में सुना आपने? जोब को एक घंटे में उसको वो बर्बाद हो गया, उसके बच्चे चले गए, मर गए, उसके मवेशी मर गए, नौकर चाकर मर गए, सब मर गए। एक घंटे में बीमार हो गया, उसके चेहरे, उसके पूरे शरीर में फोड़े आ गए, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर को महिमा दे रहा था। ध्यान से समझिए, इस अंतिम वचन को ध्यान से समझिए। जोब सब कुछ गंवा चुका था एक घंटे में, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर को महिमा दे रहा था। उसकी बीवी आई उससे कहने के लिए, अब तो निंदा कर। किसकी? कहता परमेश्वर की। कहता क्यों? परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया, उसकी निंदा क्या करूं? वो नौकरी नहीं दे रहा तो उसकी निंदा करूं? नहीं, उसकी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। जब वो अटल और खरा बनकर अपनी बीमारी को भी रहकर बैठा हुआ था, तो शैतान ने उसके दोस्तों को भेजा। शैतान ने एक और चाल चली कि जोब के दोस्तों को भेजा ताकि वो जोब के अंदर दोष की भावना डाल दे। जोब, एक दोस्त बोलता है कि नहीं जोब, तूने कुछ तो किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा काम हो गया, बच्चे चले गए, ये चले गए, कुछ तो तूने किया होगा। अरे भाई, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। दूसरा बोलता है, नहीं तूने पाप किया है, तू हमें बता नहीं रहा, तूने कुछ गलती की है। तीनों दोस्त जोब के अंदर दोष की भावना डाल रहे थे, दोष की भावना डाल रहे थे। लेकिन ये क्या कह रहा था अय्यूब 23:10 में? परंतु वह जानता है, हाँ, कि मैं कैसी चाल चला हूं, और वह जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। वो जानता है कि मैंने चली चाल अच्छी चली है, वो मुझे जानता है, उसका प्यार कभी भी चेंज नहीं होगा। जिस दिन अगर आप ये जान लेंगे कि परमेश्वर का प्यार आपके लिए कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा, तो आपके अंदर शैतान दोष की भावना नहीं डाल सकता। हमेशा जब भी आप परीक्षा में आए, जब भी विपत्ति में आए, आप ये महसूस करें, आप ये अंगीकार करें, आप ये अपने आप को बताएं कि मेरा पिता जो मुझसे प्रेम करता है, वो कभी भी, उसका जो प्रेम है मेरे लिए कम नहीं होगा। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, उस दिन शैतान आपके अंदर काम नहीं करेगा, दोष की भावना नहीं डाल सकता आपके अंदर। लेकिन अगर आप ये भूल गए तो शैतान आपके अंदर दोष की भावना डालेगा और आपको गुलाम बना देगा। आप अपने ही गुलाम बन जाएंगे, आप शैतान के गुलाम बन जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। आज का वचन हमने ग्रहण किया? हाँ के ना? अच्छा लगा? प्लीज अपने अंदर दोष की भावना मत आने दीजिए, वचनों की शक्ति को महसूस करिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया। आमेन। जोर से तालियां बजाइए परमेश्वर के लिए। Amen, 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 amen.